तो दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आपका अपने चैनल राजनीतिक चौपाल में। पिछले एक हफ्तों का जो करंट अफेयर है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मैं लेकर एक बार फिर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। जिस तरह से हमने पिछले करंट वीडियो में कहा था, करंट अफेयर की वीडियो में एक बात कही थी कि आपको अब आगे करंट अफेयर की वीडियो संडे को मॉर्निंग में ही दिया जाएगा, उसी को लेकर मैं आज संडे को मॉर्निंग में आप लोगों के बीच करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूँ। मैं आज इस वीडियो को शुरू करने से आपको एक गुड न्यूज देना चाहूंगा। वो गुड न्यूज क्या है वो मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा। आप वीडियो तक बने रहिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और पढ़ते रहिए मन लगाकर। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। देखिए, हमने पिछले अपने क्लास में पूछा था कि लेस के ब्रांड एम्बेसडर किसे घोषित किया गया है, किसे बनाया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि लेस का ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज और बताते चले पिछले प्रश्न के उत्तर के साथ ही कि अभी हाल ही में SBI ने भी इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस विश्वविद्यालय ने अपना खुद के सेटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम अगर आप इमेज में देख पा रहे हो तो आपको उत्तर पता लग रहा होगा, लेकिन जिस फोटो को मैंने करंट के अफेयर के वीडियो में अगर उसको लंबा करके डाल रखा है, तो आप जान जाइएगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि पहला ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसने की किया है। क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, IIT दिल्ली या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? तो इसका उत्तर हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU। इसने जो है अपना हाल ही में सेटेलाइट लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिटिश अकादमी पुस्तक 2023 का पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की नंदिनी, नंदिनी, ठीक है, नंदिनी, नंदिनी दास, ठीक है, ये रही, ये उनकी फोटो है। आप फोटो के माध्यम से याद करते चलिए, और ये जो उनकी बुक है कोटिंग इंडिया, इसी के लिए इनको मिला है, ये ध्यान रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको एकदम फोटो से एकदम अपने जहन में बिठा लीजिए, और साथ में जो पुस्तक दिख रही है आप उसको देख सकते हैं, रोक कर भी देखना चाहे तो देख सकते हैं। अपने अगले पेज पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा किस शहर को संगीत शहर का नाम दिया गया। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, ये जो दोनों क्वेश्चन है इतना इंपॉर्टेंट है कि इसका उत्तर आपको इमेज में एक साथ दिख रहा होगा। दो बार MM लिखकर आप इसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर लीजिए। संगीत का शहर किस शहर को नाम दिया गया है? तो देखिए, यूनेस्को द्वारा ये अगर बनारस, जयपुर, ग्वालियर, आगरा, ये चारों के चारों आपको पता होगा कि संगीत के घराने हैं। ठीक है, इसमें से अगर कुछ ऐसा वैसा होता तो आप पढ़ने वाले विद्यार्थी, आपको पता है, तुरंत उसमें एलिमिनेशन मेथड से निकाल सकते थे। लेकिन चूंकि यहाँ पर चारों ही म्यूजिक के घराने हैं, संगीत के घराने हैं, तो ये डाउट क्रिएट करने वाला है। और ये बिल्कुल जब आपको देगा आयोग या कोई भी एग्जामिनर, तो उसमें आपको ये घराने देकर फंसाएगा। तो ध्यान रखिएगा ग्वालियर को। ठीक है, और ये रहा ग्वालियर का, ये आप किला देख रहे हैं और इसमें आप भी पढ़ सकते हैं, यूनेस्को ने शामिल किया है। ठीक है, उसके बाद से हमारा अगला प्रश्न है, किस शहर को यूनेस्को के द्वारा प्रथम साहित्य शहर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रथम साहित्य शहर, ये भारत का पहला शहर जिसको प्रथम साहित्य शहर बनाया गया है, ये है कोझीकोड। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमने आपको पहले यहाँ लिखा हुआ, ये है कोझीकोड को लेकर, या आप पिक्चर को दिमाग में बिठा लीजिए, आप कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्रिकेट में हाल ही में 18,000 रन पूरे करने वाले पांचवें भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये आप फोटो में देख रहे होंगे, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा, इन्होंने इंटरनेशनल उसमें भी 18,000 रन पूरा किया है, भारत के पांचवें ये बल्लेबाज बने हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महादेई वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? आप सोच रहे होंगे कि करंट की क्लास में ये GS का क्वेश्चन क्यों सर ने डाल दिया है। तो देखिए, हाल ही में ये है उपस्थित गोवा में, आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये रहा महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक, इसको हाल ही में गोवा के हाई कोर्ट ने, ठीक है, गोवा के हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी बनाया जाए इसी के अंदर। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, वो ये कहता है कि एशियाई पैरा खेलों में, आपको पता है कि हाल ही में ये हुआ है, कहाँ हुआ है, चीन में। ठीक, चीन में आयोजित चौथे पैरा खेलों में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ठीक, तो भारत ने 111 पदक जीते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कितने पदक जीते हैं, 111 एशियाई पैरा खेलों में, ये याद रखिएगा, एशियन गेम्स में नहीं, एशियंस पैरा गेम्स जो है उसमें। ठीक है, इसमें 111 अब तक का सर्वाधिक बेस्ट जो परफॉर्मेंस दिया है इंडिया ने, उसमें कुल 111 पदक जीते हैं, जिसमें स्वर्ण जो जीता है यानी गोल्ड जीता है 29, और सिल्वर जीता है 31, और साथ ही में 51 जीता है वो आपका कांस्य पदक जीता हुआ है। ठीक है, प्रथम स्थान पर चीन रहा,
जिसने कुल 521 पदक जीते। ये जो है टेली आप देख रहे हैं, इसमें चाइना को जो है सबसे ज्यादा 521 गोल्ड, ठीक 214 दिया है, मिला है, और मतलब इन्होंने जीता है। और ईरान जो है 44 के साथ 131 दूसरे स्थान पर, जापान 42 गोल्ड के साथ 150 टोटल, लेकिन 150 आप यहाँ पर मैंने लिखा है, दूसरे स्थान पर ईरान, तीसरे स्थान पर जापान रहा जो कि 150 पदक। ठीक है, आप देखें तो ईरान के टोटल पदक जो है 131 है, लेकिन जापान के 150 है, लेकिन जापान तीसरे पर है। क्यों? क्योंकि जापान के पास सोना कम है, ठीक है, और ईरान के पास सोना ज्यादा है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए अब अगले पेज पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है कि आजादी के अमृत महोत्सव और माटी और मेरा माटी मेरा देश अभियान, ये देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आजादी के अमृत महोत्सव और मेरा माटी और मेरा देश अभियान में कौन से राज्य पहले स्थान पर रहा? ठीक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र? ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको जो है नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर हाल ही में इसको प्रदान किया गया, पहला स्थान प्राप्त किया है गुजरात ने। ठीक है, ये याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा स्थान हरियाणा तथा राजस्थान संयुक्त रूप से इनको मिला है। ठीक, केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर को मिला है, ये भी याद रखिएगा, जो मैंने यहाँ फैक्ट लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फोटो मैंने इमेज बड़ा करके लगाया वो तो इंपॉर्टेंट है, जिस जो साथ में अगर फैक्ट लिखा है तो और इंपॉर्टेंट है। मंत्रालय में देखिए पहला स्थान किसको मिला है, तो विदेश मंत्रालय को मिला है, ये याद रखिएगा। दूसरा स्थान रक्षा मंत्रालय को दिया गया है, क्लियर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इस अभियान की शुरुआत कब हुई थी, मेरा माटी मेरा देश अभियान, तो 12 मार्च 2021 से शुरुआत की गई थी और यह समाप्त हुआ है, कंप्लीट हुआ है जिसे कहा जाए तो 31 अक्टूबर 2023 को हुआ है, और ये उसका लोगो आप ये देख रहे हैं इमेज में। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, किस राज्य के राजभवन का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष किया गया है? यहां से नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष। ठीक है, ये इमेज भी आप देख पा रहे हैं, ये है कलकत्ता का। ठीक है, ये है कलकत्ता का, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ये गलत इन्होंने ऑप्शन वो किया है। कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं, ये सब गलत है, इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। ठीक है, कलकत्ता के वहां के सिंहासन कक्ष नाम से जो राजभवन है, सिंहासन कक्ष, ठीक है, सिंहासन कक्ष, उसका नाम बदल के क्या किया गया है, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल एकता कक्ष कर दिया गया, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी हमने 31 अक्टूबर को, आपको भी पता है कि हमने एकता दिवस मनाया है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सैन्य जो अभ्यास है, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 किसके बीच संपन्न होगा? अब ये चल किसके बीच संपन्न होगा, ये देखिए भारत की जो ये सेना है, पीछे जो है कि आप जहाज देख रहे होंगे भारत का, और जो संपन्न होगा ये भारत और कजाकिस्तान के बीच होगा। ठीक है, ग्लोब मास्टर है ये, पीछे आप देख रहे होंगे, ये देखिए ग्लोब मास्टर है और ये भारत की सेना है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में, भारत इसको शुरू में इसका नाम था दोस्त की, ये याद रखिएगा, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है या आप जीएस के, उस पर भी अगर पूछ सकता है कि दोस्त की किसके किसके बीच होता था, तो भारत कजाकिस्तान का, लेकिन 2018 में इसका नाम बदलकर काजिंद कर दिया गया, काजिंद कर दिया गया है, और अभी 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक ये चल रहा है, और ये हो कहाँ रहा है तो हम आपको बताते चले कि ये कजाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है, भारत की सेना और भारत की एयरफोर्स दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, और ये लोग गए हैं वहां पर अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, और हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न कहता है, नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडियन प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ल्ड फूड प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया गया, कलकत्ता में, हैदराबाद में, लद्दाख में या नई दिल्ली में? तो इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। आप ये बहुत बड़ा फोटो देख रहे हैं, ये पिक्चर जो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको हम ये साथ में यहाँ बताते चलें कि 2023, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ठीक है, इस वर्ष को 2023 को मिलेट्स ईयर्स के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, ये देखिए ये कौन मना रहा है, तो ये मना रहा है यूएन के, यूनाइटेड नेशंस ने इसको इस साल 2023 को घोषित किया है, जिसमें भारत, इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है, इंडिया के ही सपोर्ट से, इंडिया के कहने पर ही 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 घोषित किया गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप पिछले साल से जान रहे हैं। इसको कौन मना, कौन से उसने कौन किस मंत्रालय इसको किस मंत्रालय ने वो किया था ऑर्गेनाइज, देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो है आपका, आप इस इमेज के माध्यम से याद कर लीजिएगा। ठीक है, प्रगति मैदान में आपको जो भारत मंडपम बनाया गया है वहां पर ये
आयोजित किया गया, ठीक है, आयोजित हो रहा है। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है बालोन डी पुरस्कार, मतलब बालोन डी और पुरस्कार, ये फुटबॉल के प्लेयर है लियोनेल मेस्सी, आप ये इमेज में देख रहे हैं इनको, ये फुटबॉल का जो ये फुटबॉल के रूप में जो दिख रहा है ये बालोन डी और पुरस्कार है, ये दिया गया हाल ही में, ये 8 बार जीत चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा 8 बार जीत चुके हैं इस पुरस्कार, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्रेकिंग द मोल्ड, ठीक है, ये पुस्तक है, किसकी पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ब्रेकिंग द मोल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है, शक्तिकांत दास ने, रोहित लम्बा ने, रघुराम राजन रे, रघुराम राजन और रोहित लम्बा ने, तो ये दोनों की संयुक्त रूप से लिखी गई पुस्तक है, ये आप रघुराम राजन को देख रहे हैं और ये जो है रोहित लम्बा, ठीक है, और ये उनकी पुस्तक है, ठीक। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि एनकोर नामक सॉफ्टवेयर किसके द्वारा तैयार किया गया है, नीति आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग या शिक्षा चयन आयोग, तो देखिए इसको जो किया गया है उस भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा, आप फोटो में देखें ये एनकोर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया गया, हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने शिक्षा मंत्रालय के साथ समझौता भी किया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, तो हमारा अगला प्रश्न कहता है किसने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया, किसने बेंगलुरु में इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, तो आप फोटो देख चुके हैं पहले, उत्तर आपको पता लग गया है, राजनाथ सिंह ने, ठीक है, ये फोटो में आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह, इसको एकदम दिमाग में सेट करते जाइए, फोटो दिखाने का मतलब यही रहता है कि अगर आप देखें तो आपको आप दोबारा कभी भूले नहीं, ठीक है। अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है हाल ही में किस भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान की अंतिम विदाई दी गई, ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राफेल की आपको भी पता है ये कभी हो ही नहीं सकता है, सुखोई अभी चल रहा है ये भी नहीं होगा, मिराज नहीं, बिल्कुल MiG-21, बिल्कुल MiG-21 है, और ये MiG-21 आप इमेज में देख रहे हैं ये निकल रहा है वहां से, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023 किसे प्रदान किया गया है, नीता अंबानी, नंदिनी दास, सुंदर पिचाई या रतन जी टाटा, तो देखिए इसका जवाब होगा नीता अंबानी, ठीक है, ये रहे नीता अंबानी, ये पीछे यूएस इंडिया जो लिखा हुआ है यही संस्था जो है, पीछे जो लिखा हुआ है यूएस इंडिया यही संस्था है जो ये अवार्ड देती है ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2023, मतलब अभी दी है, हमेशा वही देती है लेकिन 2023 का इस बार नीता अंबानी जी को दिया गया है, उन्होंने जो हाथ उन्होंने लिया है ये वही अवार्ड है, साथ में उनको कुछ पैसे वगैरह दिए गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस राज्य ने श्री अन्न महोत्सव मनाया गया, किस राज्य में श्री अन्न महोत्सव मनाया गया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर या केरल, तो आप इमेज में देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके द्वारा ये मनाया गया है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, हमारा अगला प्रश्न कहता है कि आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का सबसे पहला देश कौन बना है, ये तो इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, और साथ में मजाकिया टाइप भी है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसका उत्तर हो जाएगा भूटान, भूटान पहला ऐसा देश बना है विश्व का जिसने अपने यहाँ के सभी कुत्तों को की नसबंदी कर दी है, शायद आई थिंक 14 साल लगे हैं उसको ऐसा करने में, ठीक है। अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, हमारा अगला प्रश्न कहता है अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक किस स्थान पर बनाया जा रहा है, नई दिल्ली में, मद्रास में, सिक्किम में, बेंगलुरु में, आप फोटो के माध्यम से सिर्फ एक चीज को ना पकड़ा करिए, फोटो के माध्यम से आप कई और अन्य चीजें भी याद कर सकते हैं, जैसे कि इस फोटो में देख रहे हैं कि इसका उद्घाटन किसने किया है, मतलब शिलान्यास किसने किया है, तो अगर ये पूछ दे शिलान्यास यानी कि नींव रखने का काम किसके द्वारा, किसने शुरुआत की, तो आपको फोटो में नरेंद्र मोदी दिख रहे हैं, उन्होंने किया, हम उत्तर बताते हैं इसका, इसका उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में दक्षिण पश्चिम एशिया का, ये बहुत ज्यादा, अगर आप यूपी आरओ एआरओ यूपी के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं यूपी स्पेशल करंट में एकदम पूछेगा, आप ऐसा लिख के रखिएगा, ठीक है, उत्तर दक्षिण पश्चिम एशिया का चूंकि सबसे बड़ा पेय संयंत्र है, इसका उद्घाटन किया गया किस जिले में, किस जिले में इसका उद्घाटन किया गया हो, ठीक है, अगर पूछता है कि किसने उद्घाटन किया तो आप इमेज में देख रहे होंगे, अगर ये सबसे बड़े यहाँ सीएम है तो बट ऑब्वियस यही करेंगे, तो इसका जो है उद्घाटन किसने किया, योगी आदित्यनाथ ने, ठीक, किस जिले में किया गया, ऑप्शन है गोरखपुर, बलिया, अमेठी, फतेहपुर, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, आपको पता है कि स्मृति ईरानी कहाँ की सांसद है, वहीं किया है, जब वहां वहां दिख रहे हैं तो 99% चांस है कि वो होंगे, और ये देखिए शिलान्यास में उनका नाम भी लिखा हुआ है, आप वीडियो रोककर जूम करके देख सकते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, इस सप्ताह में क्या क्या ऐसी घटनाएं घटी हैं, देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हाल ही में सचिन तेंदुलकर का स्टेचू किस स्टेडियम में लगाया गया है, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई,
नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता, सिडनी स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए आपको भी पता है, चूंकि ये रहने वाले मुंबई के हैं और इन्होंने अपना आखिरी मैच जो खेला था वो वानखेड़े मैच स्टेडियम में ही खेला था। और ये इमेज में देख रहे होंगे सचिन तेंदुलकर, इनके हाथ में जो आप ये ट्रॉफी साथ देख रहे हैं, सेम टू सेम यही जो है स्टैचू बनाई गई है। और वो आप यहाँ देखें, अगर थोड़ा सा रोक कर देखें तो इसमें वही जो है स्टैचू आप देख रहे हैं जिसका इन्होंने जहाँ पे इनको बुलाकर और वो खड़े थे। लेकिन इसका जो अनावरण किया, इसको मतलब इसका उद्घाटन किया, वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से एकनाथ शिंदे शिंदे जी उन्होंने किया। ठीक है, अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, दक्षिण कोरिया ने भारत के किस राज्य के साथ आर्थिक सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसका हम डायरेक्ट उत्तर बताएं तो उड़ीसा ने के साथ जो है कि दक्षिण कोरिया की सरकार ने समझौता किया है। ठीक है, ये कुछ साल पहले केंद्र सरकार ने ये परमिशन दिया था कि राज्य भी अन्य देशों के साथ विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के, विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के डायरेक्ट वो अन्य जो देश हैं, अन्य कंट्रीज हैं, उनके साथ वो समझौता कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न यह है कि अपशिष्ट से कला, एक सेकेंड रुकिएगा, अपशिष्ट से कला, स्क्रैप से मूर्ति कला, इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन से द्रौपदी मुर्मू, धर्मेंद्र प्रधान, अर्जुन राम मेघवाल या नितिन गडकरी। ये फोटो वही की है, ये उद्घाटन जब किया जा रहा था तो इसमें आपको कौन दिख रहा है? तो इसमें हमको दिख रहे हैं अर्जुन राम मेघवाल। ये याद रखिए, यही है अर्जुन राम मेघवाल जी, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इसी के साथ हमारा पिछले एक हफ्ते का जो बहुत महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम और समसामयिक की रहा है आपके एग्जाम के दृष्टि से, उसको हम लेकर थे हाजिर। आज हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप उसका उत्तर बताइएगा। हमारा क्वेश्चन है कि कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 2023 किसे चुना है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बताइएगा। इसके बाद से अन्य अन्य अलग अलग डिक्शनरियां भी अपना अपना वर्ड जारी करेंगी, तो आप बताइएगा। हमने आपसे शुरू में कहा था, वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि वीडियो के एंड तक आप बने रहिए और हम अंत में आपको खुशखबरी देंगे। तो दोस्तों, अगर आप एपीएस की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश एपीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं, या किसी अन्य भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोग राजनीति विज्ञान, पोलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटी स्पेशली कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग चला रहे हैं, जहां पर मैं आपको क्लास करवाता हूँ, उसके बाद मैम जो एमसीक्यू करा रही हैं, हमने आपको इन दोनों भर्तियों को ध्यान में रखते हुए एक बड़े बहुत बड़े पोर्शन हिंदी को लेकर, हिंदी के लिए एक फैकल्टी हमने शामिल किया है, हमारे साथ जुड़ी हैं मैम रेखा तिवारी मैम। ठीक है, बहुत जल्द रेखा मैम की आपको पहली क्लास देखने को मिलेगी, बहुत जल्द, क्योंकि हमने आपसे शुरू में कहा था कि हमारी टीम जो है वो आपके स्टडी को लेकर, आपके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित है, और इसी संदर्भ में ये हमारी क्लास हिंदी की बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित होगी। तो यही है आज का करंट अफेयर, और ये खुशखबरी अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर करें और जुड़ जाएं, एकदम मन लगाकर पढ़ाई करें। इस बार सीट एक आपकी है, इस बार नौकरी पर। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं, कोई डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, राजनीतिक चौपाल के नाम से ही वहां पर भी हूँ। टेलीग्राम पर फॉलो करें हमें, टेलीग्राम ग्रुप चैनल ज्वाइन करिए, आपको पीडीएफ मुफ्त में वहां मिल जाएगा, नोट्स बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।